हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कॉफ़ी की मदद से आप अपनी स्किन को इंस्टेंट फेयरनेस कैसे दे सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रे बताऊंगी जिससे आप अपनी स्किन की इंस्टेंट ब्राइटनिंग, शाइनिंग और ग्लोइंग बना सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में एक बेल आइकन है, उसे भी ज़रूर प्रेस करना ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो है हनी। मैंने 1 रुपीज़ वाला कॉफ़ी का पाउच ले लिया। आप कोई भी कंपनी की कॉफ़ी ले सकते हैं, मैंने ब्रू की ली है। और लेमन जूस, 2-3 ड्रॉप्स ही हमें लेमन जूस चाहिए। इतनी कॉफ़ी आपके फुल फेस के लिए काफ़ी है। अगर आप गर्दन वगैरह पर भी मसाज करना चाहते हैं, ये पैक लगाना चाहते हैं, तो 2 पाउच आप ले सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें एक क्लीन बाउल ले लेंगे और उसमें हम कॉफ़ी डाल देंगे। ध्यान रहे बाउल गीला ना हो। सारी कॉफ़ी निकाल लेंगे। अगर आप 2 पाउच यूज़ करोगे तो आपको शहद की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ानी होगी। मैं इसमें 1/2 स्पून शहद डालूंगी तो उसमें आप फुल स्पून शहद डालना। और 5 ड्रॉप्स मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूंगी तो आप उसमें 10 ड्रॉप्स लेमन जूस ऐड करना। ये देखिए, मैं शहद आपको बता दूँ, सिर्फ इतना ही शहद ऐड करेंगे इसमें हम। ऐड करने के बाद अब इसमें हम लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस ऐड करने के बाद इसे अच्छे से कंटिन्यूस 1 मिनट तक हिलाते जाना है और आपका पैक रेडी हो जाएगा। बीन चाहिए तो आप जो इसमें गिर गए हैं सीड्स वो निकाल सकते हैं, और अगर नहीं भी निकालोगे तो जब आप पैक लगाओगे फेस पर और मसाज करोगे तो वो गिर ही जाएंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसमें कॉफ़ी का इस्तेमाल किया है। कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट गुण और कैफीन पाया जाता है जो आपकी स्किन से रिलेटेड सारी समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। हनी आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाकर उसे सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाता है। और लेमन में स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपकी स्किन को इंस्टेंट ब्राइटनिंग बनाने में मदद करता है। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसे फेस पर अप्लाई करेंगे। मैं आपको मेरे हाथ पर अप्लाई करके बताती हूँ। मैंने रिंग निकाल ली। अब इसे हाथ पर जैसे मैं लगा रही हूँ सेम फिंगर्स की मदद से आप अपने फुल फेस पर, गर्दन पर लगाकर कंटिन्यूस 5 मिनट से 7 मिनट्स भी आप ले सकते हैं। इसे अच्छे से मसाज करना, उसके बाद इसे 8 से 10 मिनट्स का रेस्ट दे देना। जैसे हम पैक लगा कर छोड़ देते हैं 8 से 10 मिनट तक आराम से लेते हैं, सेम उसी तरह अपने फेस को आराम देना, अपने दिमाग को थोड़ी देर आराम देना ये लगाने के बाद, और सुकून से बैठ जाना। उसके बाद जब 10 मिनट्स हो जाएंगे तो फिर आप नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर लेना। आप ये देखिए, ये 10 मिनट्स हो गए हैं। मैं इसे अब वॉश करके आपको मेरे हाथ बताती हूँ कितना फेयरनेस आ गया है। देखिए कितना क्लीन हो गया है पूरा हाथ। स्टार्ट की वीडियो में और अभी की वीडियो में मैं आपको मेरे हाथ पर फ़र्क समझ में आ रहा होगा। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि मेरी हिम्मत और बढ़े और मैं आपके साथ मेरे सीक्रेट्स शेयर करती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए। लव यू ऑल गाइज़, बाय।